नमस्ते, क्या हाल चाल? आज संडे है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, घर पे पड़े पड़े मतलब आराम ही कर रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 11:30, आज ऑयलिंग करी है एंड आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का पहला दिन है। एक गेस्ट आ रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त हैं, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल के टीवी एंकर हैं एंड आई गेस काफ़ी ज़्यादा वो हैं यंग। अभी मम्मी से बातें कर रहा था, पापा गए हुए हैं गंगा नहाने के लिए ब्रिज घाट। ये ऑयलिंग हुई है, तेल लगाया टांट पे। अगर कोई समझ पाएगा टीनू की टांट तो वेल एंड गुड। अब नहाएंगे और जाएंगे यार। संडे काम करने का मन नहीं करता, आलस बहुत आता है, बहुत ज़्यादा आलस है यार संडे को। मंकू को बोल दिया है कि भाई आ जाइए टाइम से, वो भी मूवी देखने गया है बारबी। अब उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मूवी देखने आने के बाद वो स्टूडियो पे आएगा, थोड़ा बहुत मेरे साथ सेट फ्रेमिंग वगैरह कराएगा। पूर्व भी आएगा और कौन आएगा, मार्टिन आएगा, यही है जो सब आएंगे, और कोई सच नहीं आ रहा एक्स्ट्रा बंदा। मन्नू आजकल नौकरी में व्यस्त हो रखा है, इस चक्कर में वो नहीं आ पा रहा है। और कुछ है नहीं, और कोई नहीं है। बाल बहुत ज़्यादा हो गए, सेट करेंगे इनको। जस्ट अभी ऑफिस आया हूँ, 1:12 हो रहे हैं अब। मेरा दूसरा सबसे पहले आते ही प्लान यहाँ पे ये है, पहला और दूसरा, कि बैटरी वगैरह चार्जिंग पे लगाओ। उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह रेडी कर रहा हूँ मैं, कि भाई क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या नहीं, मतलब क्या क्या पूछना है, क्या क्या नहीं पूछना है। जो नहीं पूछना है ऑब्वियसली वो तो मैं डालूंगा ही नहीं, जो पूछना है वही लिखा जाएगा, जो कायदे की बात है। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि सेट डिज़ाइन करना है, तो उस पर भी थोड़ी सी मेहनत करी जाएगी कि किस तरीके से क्या क्या कहाँ पे चीज़ें रखनी है, क्या करना है, कैसे करना है। दैट्स इट, अब चलते हैं नीचे थोड़ी देर बाद, पहले मैं ऊपर बैठ के सारा काम कर लेता हूँ। काफ़ी समय बाद आज मनप्रीत यहाँ आया है। मनप्रीत, वेलकम टू द व्लॉग। ये यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि कुछ ऑफिशियल वर्क है, और ये वही बंदा है जो मेरे को वहाँ लेके गया था ताज सूरज कुंड, और इसने मुझे ब्लॉग नहीं करने दिया था और वहाँ पे चिंटू भी था। वेलकम टू द ब्लॉग चिंटू। गाइज, आपने इनको देखा होगा, ये क्रिकेट खेलते हैं हमारे साथ। ये जिस ऑफिशियल काम से आए हैं वो काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बने रहिए ब्लॉग में और देखते हैं कैसा चलता है सब कुछ। बाकी अभी आज नीचे चलना ही यार पॉडकास्ट वगैरह करने के लिए, तो अब मनप्रीत कह रहा हूँ, मनमीत आया हुआ है, अभी तक उसको दिखाया नहीं था, और अभी पूर्व आया है, कहीं गया है, सामान रख गया है, कैमरा एंड ट्राइपॉड, अभी थोड़ी सी देर में उससे भी मिलते हैं। पूर्व आ गया था, मार्टिन अभी जरा वॉशरूम में फ्री होने गया था, तो अब यहाँ पे अब सेटअप शुरू हो रहा है आज के पहले पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग का, बिहाइंड द सन सीन्स। यार अब ना यार एक चीज़ ये बताओ मेरे को, जो उसके प्रोडक्ट हाईलाइट करने हैं स्पॉन्सर्ड कंपनी के, वो दोनों के पीछे करने हैं, किसी के घर पे स्टूल पड़ा है कोई इतना सा मतलब इतनी सी हाइट का भी हो जाए ताकि उस पर प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाए। वो ये जो ये वाली टेबल है ना, ये उसके पीछे आ जाएगी, क्या कहते हैं, क्लाइंट के पीछे आ जाएगी ये वाली टेबल, क्लाइंट कह रहा हूँ भाई, गेस्ट के पीछे आ जाएगी वो वाली टेबल, उस पर प्रोडक्ट दिखा सकते। क्या कह रहा है, ठीक है क्योंकि अभी देख पीछे ना गमले गुमले भी लगाने पड़ेंगे दोनों तरफ। अब हम लोग थोड़ा सा ना टाइम लैप्स पे बैठ करके काम कर रहे हैं कि क्या व्लॉग इधर से उधर कैमरा लेके भागे, थोड़ा सा अब आप लोग एडजस्ट करो, देखो हाइट ना तुझे इतनी रखनी है भाई, चेयर्स भी देख वो वाली लेके आ रहे, ऊपर वाली जो ब्लैक वाली है ना, हां वाली ठीक है, वो सबसे बेस्ट है वाला, तो मार्टिन एक चेयर मैं उठाता हूं, चेयर तू उठाता है, अभी जाते हैं, अभी इतना सामान उठा ना, पूर्व एक काम कर, मैं तू स्पॉन्सर्ड सामान उठा ला, ऊपर का काम हो गया तो बंद करके नहीं, आप ये हटा दो।
दोस्तों आपने देखा ही है कि अभी हम लगे हुए मेहनत कर रहे हैं और मेरे को लग रहा है ये फ्रेम अच्छा लग रहा है यहाँ पे ये वाला ना एंगल, उसमें मार्टिन भी ठीक दिख रहा है। हाँ और वो सुन रहे हैं तो और थोड़ा सा केवल माइक पीछे करके केवल नॉर्मल पीछे हो अगर ऐसे बैठेगा तो दिख रहा है। हाँ सही हो रहा है, दिख रहा है ना, तो या तो उसको नीचे करा ले थोड़ा सा। क्या कहता है वैसे ये ऐसे कहीं से नीचे हो जाए। तो इसीलिए ही ना मैंने टेबल इधर करी है ताकि तू इसको यहाँ खींच के ऐसे बात छेड़ना ना पड़े भारी भारी। क्या फर्क पड़ता है, बात हो रही है तो बीच में फिर वीडियो में नहीं नहीं वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। हम लोग उसको बस मेन फ्रेम के हिसाब से रेडी करवाएंगे, वो उसके बाद अपने आप अकॉर्डिंगली चेंज कर लेगा। तो पीछे कर लेना तू, यहाँ से बात कर ले। ठीक है ब्रो, चेयर की सीट भी एडजस्ट कर लो। हाँ मैंने देख, मैंने अपनी ऊपर करी हुई है, ये देखना है यहाँ पे थोड़ी सी तो नहीं, मैंने ऊपर करी हुई है जैसे। हाँ हाँ मतलब बस, और ऐसे बात हो रही है, ऐसे सुन लिया, फिर बात हो रही है, उसने तो निकाली, फिर उसने अपने सवाल शुरू कर दिए। वो फिर वो वाला एंगल है। ठीक है भाई, गमला ये ढूंढ रहे हैं बाहर निकल करके सारे बार। पूर्व कह रहा है मेरे घर से गमले उठा लो, अब वहीं पिटे ना अगर हम चोरी के मामले में अपने घर पे ही। भाई मेरा प्यार सामने वाले से बात कर रहे, अरे इनके बेकार है, अबे इनके बेकार गमले हैं, बंडल एक गमले हैं। अबे पेड़ ये वैसे वाले पेड़ ही नहीं है ना गमले। दिवाली आने से पहले गाइस स्पॉन्सर प्रोडक्ट है मेरे इस नए चैनल पे, आप लोग 500 सब्सक्राइबर कराओ, मैं सच्ची कह रहा हूँ स्पॉन्सर प्रोडक्ट का मैं गिव अवे करूंगा और आप भी इसके एक हकदार हो सकते हो। कराओ आप सब्सक्राइब कराओ। जैन अगर कोई जैन आदमी कोई खेल जीतेगा तो उसको क्या कहेंगे, क्या जीतेगा कोई जैन आदमी कोई खेल जीतेगा तो उसको क्या कहेंगे, जैनविन और कोई जैन आदमी सिंगल है उसको क्या कहेंगे, जैन वन। हम माफी चाहेंगे जैन समाज के लोगों से, ऐसे किसी की अबे यार ऐसे बगाती मत कर, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ आवर मोटिवेशन फॉर वर्क। यस लोग सुन के भूल जाते हैं, भूल जाओ और कट ये वाला। ये भाई तेरे हाथ में क्या है, ये भाई बैग स्लीव, ओ स्लीव कह रहा हूँ, मैकबुक स्लीव, मैकबुक का बैग स्मैक नहीं मैक साले स्मैक। ये भगवान ये भगवान नशो में सही है ये बैग को देखो कितना पागल है, देखियो कितना ज्यादा पागल हो रहा हूँ। ये इसमें सारे ये निकाल के यार रख दिया मोबाइल पीछे फेंक दिया, वो बम फेंकने वाला था ना वो सीन, वो बम फेंकने से वही तो यार उसकी बैटरी को जरूर है पक, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। आयुष क्या कर रही है, मतलब ये भाई पैकेजिंग चल रही है यार। ओ किस चीज के लिए, प्रोडक्ट्स की जो गिफ्ट करने यार, गिव अवे वाली। यस गो अवे, ओ मतलब फ्रेश पैकिंग होती है। यस नाइस, ये भी कर रहे हैं एक्साइटेड एक्साइटमेंट के कारण, अगली बार से इतना टाइम है ही नहीं कि करें। तो यहां पे ब्रांडिंग भी हो रखी है प्रॉपर। यस तो ये पहले से पैक्ड नहीं था, अभी पैक कर। मैं आपको दर्द दिए जा रहा हूं पैकेजिंग एक्साइटमेंट में, तो पागल हो रहा है कसम से भाई, थोड़ी थोड़ी फट रही है ना, ये अंदर जाएंगे भाई और ये इशू खाने के जा रहा है। छोड़ क्या वहां के घूम के आया तू, इसने कार्ड पेपर कट हो गया इसका। कल वो पान वाली टॉफी खा रहा था दोस्तों, तो वहां पे ऊपर नीचे ले, पुनीत कहता था ऊपर कर ऐसे कर साइड कर मार्टिन, सब अच्छा होगा। हाँ भाई लगे हुए हैं देखो दूसरी पैकेजिंग, शर्ट तो वो टांग दी भाई। चल भाई बोल, चल भाई ठीक है, चलो भाई ओके सीन है, मैं बाद में लूंगा तेरी बाइक की राइड। हां बिल्कुल भाई, बाइक ही है भाई। पूर्व के पास है इंटरसेप्टर 650, अगर जीटी 650, अच्छा कॉन्टिनेंटल जीटी है ये। सुन ध्यान से,
ठीक है ठीक है ठीक है आज ही हो वैसे तो लेट तक तो नहीं 12 बजे मैक्स ओके भुट्टा खाएंगे अब हम लोग अजय भाई भुट्टा खिलाएंगे पूर्व मना कर रहा था फिर पूर्व के भी जब वो कर दिया ना कि ले भाई खा भुट्टा खा रहा हूँ मैं हाँ तो भुट्टा खा रहा है ये लगा दे मसाला की दोनों में लगा दे उसको ढंग से तो सेक दे फाइनली दोस्तों माय यूट्यूब फैम ली इमर्जिंग टीवी एंकर इज हियर पुलकित शुक्ला कमाल की बात ये है जो अभी तक नहीं बताया था ये हमारे कॉलेज का जूनियर है तो अभी हुआ क्या यहाँ पे मैं और पुलकित बैठे हुए थे पूर्व गया हुआ था एक बाहर काम से जैसे ही पूर्व आया पुलकित कहता कि भैया आप यहाँ बैठो सीनियर बैठेंगे यहाँ पे भाई कॉलेज था कॉलेज हो गया प्रोफेशनलिज्म में आ जाओ एटिकेट्स पुलकित बिल्कुल माना एटिकेट्स हैं लेकिन गेस्ट ओनर सीट तो फिलहाल तेरी है ना अभी हम शूट मोड में नहीं है ना नहीं नहीं ये शॉर्ट मोड ये देखते झूठ मोड नहीं शूट मोड चालू है हमारा चाहे व्लॉग ही क्यों ना हो वो बैटरी डाल के भाई ओवन आ गया क्या ओए देख आया कैसे और क्या करने गया था चलो अब रेवन न्यूज़ स्टाइल में मेरी लव ऑडियंस पेश करते हैं देखिए तमाशा जैसे आप एंकरिंग करते हो भाई कर दे स्टार्ट है भाई नमस्कार आप देख रहे हैं नहरिया तमाशा शो और मैं हूं आपके साथ आज के इस एपिसोड में हम आपको एक खास मेहमान से रूबरू कराएंगे और बताएंगे आपको टेलीविजन इतिहास में किस तरह की राजनीति और किस तरह के प्रोपेगेंडा सेट किए जाते हैं टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से न्यूज को आप तक पहुंचाया जाता है वो तमाम कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके जरिए स्क्रीन पर आप तक जानकारी पहुंचती है स्क्रीन पर देखी जाने वाली वो हर एक चीज अच्छा खास मेहमान कौन है जिसकी जरूर बात करी थी खास मेहमान हमारे आयुष गुप्ता जी अच्छा कुछ भी है अपने घर में मेहमान अब शुरू हो रहा है मजा आएगा करते हैं थोड़ा सा नर्वसनेस में हूँ नर्वसनेस है नर्वस हूँ बट क्या बोलते हैं क्या होता है जो भी होता है इसमें मैं नर्वस हाँ मैंने आज वो लगाई है तो ये पॉडकास्ट तो बहुत बढ़िया हुआ और असली वजह पता है क्या पॉडकास्ट की ये फेयर एंड लवली को प्रमोट करता है इसके बिना कॉन्फिडेंस नहीं है अगले चल जा लाले काफी कैसा एक्सपीरियंस रहा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था और जाते जाते एक बार फिर से सबसे अपील यही है ज्यादा से ज्यादा इस हमारे पॉडकास्ट को हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए इस तरह के बेहतरीन कंटेंट आपका इंतजार कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग देखने को मिले एग्जैक्टली चल ठीक है भाई टेक केयर ध्यान से पहुंच ओके पैकअप कर लिया भाई बहुत बढ़िया हमने आउटपुट देख लिया बहुत बढ़िया आउटपुट आया है अभी मयंक को हम लोगों ने छोड़ा है 5 मिनट पहले मुझे और पूर्व को लग रही थी भूख हम लोग आ गए हैं प्रशांत विहार क्रिस्पी बाइट्स पे टाइम क्या हो रहा है और टाइम हो रहा है अभी 12:30 बज रहे हैं पूर्व क्या ऑर्डर दिया है भाई हाफ दाल मखनी दो चिली गार्लिक नान हाफ दाल मखनी चिली एक चिली गार्लिक नान है और सिर्फ गार्लिक नान है तो आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब अगले किसी पॉडकास्ट या शूट पे टिल देन काम करो नाम करो गुड नाइट